देखिए हिंदी भाव पर चलती है, लॉजिक पे नहीं चलता, ये मैथ्स और साइंस नहीं। अरे जैसे एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि आप वास्तव में कहाँ रहते हैं, योगियों और मुनिंद्रियों के ध्यान में रहते हैं? बोले नहीं। एक दिन क्या हुआ, जब वो कमल लेने के लिए तालाब के अंदर गए तो एकाएक वहां पे एक मगरमच्छ आ गया और उन्होंने बहुत जोर से हाथी के पांव को पकड़ लिया। आप कल्पना कीजिए, आगे आगे वस्त्र भाग रहा है, दुशासन जो खींच रहा है, उसके पीछे प्रभु भाग रहे हैं और उसके पीछे प्रभु का वाहन गरुड़ भाग रहा है, क्योंकि प्रभु इतने तेज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की कमाल की कविता माँ मीराबाई जी के पद। स्टूडेंट्स, ये कविता ऐसे तो बहुत छोटी सी है, इसमें दो आपको पद दिए गए हैं, एक छोटा सा है और एक थोड़ा बड़ा पद है। हम इसको ईजी के लिए दो दो लाइन तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अगर मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो आप इस बात को समझिए कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीराबाई जी के बारे में सुना होगा, पर जब हम इन कविताओं के बारे में बात करते हैं तो ये जो कविताएं हैं, ये जो आशय हैं, ये कवियत्री की कृपा से ही इन्हें समझा जा सकता है, बुद्धि से इन्हें नहीं समझा जा सकता। मैं आपको इस कविता को पढ़ने से पहले ही ये रहस्य बता दूं, इस कविता को कृपा से समझा जा सकता है। और कृपा किसे प्राप्त होती है? जो दैन्य होता है, जो हाँ, जो मतलब चाहता है कि हाँ मुझ पे कृपा प्राप्त हो, जो जानना चाहता है कि मैं वाकई मीराबाई जी के पद को जानना चाहता हूँ। हाँ, वो देखिए, वो सिर्फ 10th बोर्ड के लिए आपको सिर्फ वो फटाफट वो बस दो लाइन का क्या मतलब है, फिर वो आप दो दिन पढ़ोगे चौथे दिन भूल जाओगे, वही सारी चीज़ें करनी है तो मुश्किल है, बट लाइफ में आपके कुछ इम्प्लीकेशंस हो उसके लिए आपको कृपा से ही इस पोएम को आप वास्तव में समझ पाओगे, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि आप इस पोएम को समझे। मीराबाई जी के पद, मीराबाई जी देखिए ये श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा एक तरीके से आप कह सकते हैं, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये मीराबाई जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप एक तरीके से भक्त शिरोमणि की बात कर रहे हैं। मीराबाई जी की भक्ति, उनका त्याग, उनका प्रेम अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो माँ के पदों को हम देखते हैं, हमारी पात्रता तो नहीं, पर जितना हमें समझ में आता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पद, ये पूरा पद इस तरीके से है, हम इसको दो दो लाइन में तोड़ के पढ़ेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब देखो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप ना फॉर एग्जाम्पल आप पहली वाली लाइन देखो, हरि आप हरो जनरी भीर, तो इसमें ना आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो ये नेसेसरी नहीं है। ऐसे में बेस्ट क्या होता है, देखिए हिंदी भाव पर चलती है, लॉजिक पे नहीं चलता, ये मैथ्स और साइंस नहीं है। आप हरि यानी कि भगवान, आप हरो हर लो, दुख हर लो, कष्ट हर लो, है ना, जन यानी कि लोग, भीर, बस इस एक भीर का अर्थ आपको पता चल गया ना तो आप पूरे लाइन का मीनिंग बता सकते हैं। भीर का अर्थ होता है दुख दर्द या पीड़ा। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि हे हरि, हरि बोल हरि बोल, हे हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि आप लोगों की भीर दुख दर्द पीड़ा हरो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप समझ गए कि क्या सही तरीका है पढ़ने का। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरी धरेओ आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दो दो लाइन करके समझते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे जैसे भी, ताकि आपको समझ में आए। हरी आप हरो जनरी भीर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता भी जाता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि आपको समझ में आएगा कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। हरि यानी कि हम श्री हरि के बारे में बात कर रहे हैं, इस संक्षेप में या इस पर्सपेक्टिव में बात करें तो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप हरो जनरी भीर, जन यानी कि लोगों की, भीड़ यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप कह सकते हो दुख हो गया, दर्द हो गई या आपकी पीड़ा हो गई, ये यहाँ पे इसका मतलब है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, लाज यानी कि यहाँ सम्मान की बात हो रही है, आपने माँ का सम्मान बचाया, लाज राखी यानी कि रखा, आप बढ़ायो चीर, चीर यानी कि यहाँ पे वस्त्र के बारे में बात की जा रही है। अब आपको बेसिक महाभारत का कॉन्टेक्स्ट तो होगा तो मैं उसमें ज्यादा डाइव इन नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता दूं, हरि आप हरो जनरी भीड़,
कि यहाँ पे माँ भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्रेमी थी, तो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर। देखिए इस पोएम को समझाने में मुझसे कोई त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और खुद इसका भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ऐसा नहीं है, उसको सुन करके इस पद को पढ़ करके आपके मन में क्या भाव आ रहा है वो सत्य है, क्योंकि मीराबाई जी से मेरा या आपके शिक्षकों का कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। कोई कवि हमें नहीं बताता कि मेरी इस लाइन का ये मतलब है, हम सब अपने अपने अनुसार उसे समझने का प्रयास करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, कि माँ यहाँ पे प्रभु से प्रार्थना कर रही है, श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि आप लोगों के दुख और दर्द को हरते हैं। जैसे अब वो उदाहरण दे रही है, अभी दो दो लाइन तोड़ के बता रहा हूँ, बाद में सबका एक साथ बताऊंगा। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। कि जब वो दुष्ट दुशासन है ना, आपको वो प्रसंग पता होगा, तो वहां पे भगवान ने जैसे माँ ने प्रभु को याद किया है ना, क्योंकि पति तो अब वो सहायता नहीं कर रहे थे, भीष्म आदि ये भी सहायता नहीं कर रहे थे, तो जब माँ, जब देखिए ये एक प्रसंग आपको ये सिखाता है कि जब तक जीवन में कोई दूसरा आश्रय है तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती, और जिस दिन शरणागति आ गई कि भगवान अब आपको बचाना है तो आप बचाओ नहीं तो मैं तो गया, उस दिन देखना वो प्रकट हो जाएंगे किसी ना किसी रूप में। आपको माँ और उदाहरण देंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे माँ कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, आप तो लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को हरते हैं, हे श्री कृष्ण, हे परमा, हे श्री कृष्ण आप तो लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को हरते हैं। जैसे आपने माँ द्रौपदी की लाज रखी, आप बढ़ाए हो चीर, अना साड़ी विचे नारी है कि नारी विचे साड़ी, अरे वो तो खींचता जा रहा, प्रभु का वस्त्र अवतार वहां पे हो गया, यानी कि आपको पता है वहां पे वो साड़ी खींचता रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। भगत कारण रूप नरहरी धर्यो आप शरीर, नरहरी का यहाँ पे मतलब नरसिंह अवतार से है, धर्यो आप शरीर, धारण किया आपने शरीर, यानी कि शरीर की बात हो रही है। बूढ़ तो गजराज, बूढ़ तो यानी कि जो डूब रहा है, यहाँ पे बूढ़ा ओल्ड मैन की बात नहीं हो रही, जो डूब रहा है, गजराज गजेंद्र, हाथियों के राजा गजेंद्र, आपके बुक में इरावत लिखा है, राख्यो काटी कुंजर पीर, कुंजर पीर यानी कि मगरमच्छ को मार करके आपने पीर यानी कि पीड़ा, पीर यानी कि यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे पीड़ा के बारे में बात हो रही है। भगत कारण रूप नरहरी आप धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, भगत यानी कि भक्त के कारण आप अलग अलग। यहाँ पे देखिए माँ जो है वो प्रभु के भक्तों के प्रति, जो प्रभु भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, अरे जैसे एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि आप वास्तव में कहाँ रहते हैं, योगियों और मुनिंद्रियों के ध्यान में रहते हैं, बोले नहीं है ना, जहां जहां यत्र तत्र जहां जहां भक्त मेरा गायन करते हैं, जहां जहां मेरा नाम संकीर्तन होता है वहीं मैं प्रकाशित होता हूँ, प्रभु वहीं रहते हैं। ठीक है, ज्ञानियों और योगियों के ध्यान में आने वाले वो प्रभु नहीं है, प्रभु कहाँ रहते हैं, प्रभु तो जहां जहां उनको पुकारा जाता है, प्रेम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि आपने प्रभु भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो आपने भक्तों के कारण नरसिंह रूप लिया, आपने शरीर लिया नरहरि, नरसिंह धर्यो, नरसिंह शरीर धारण किया आपने, किसके लिए, भक्तराज प्रहलाद जी के लिए किया गया था, है ना, बहुत कम भक्त शिरोमणि हुई हैं, भक्तराज हुए हैं, उनमें से प्रहलाद जी का एक नाम है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, देखिए यहाँ पे मैं इतना ही बोल के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तो आप ये चीजें भूल जाओगे। एक हाथियों के राजा है, एक मान लीजिए उनका नाम गजेंद्र है, तो एक गजेंद्र जी थे, ये गजेंद्र की कहानी है, वास्तविक कहानी है। तो गजेंद्र जो है वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जितनी मेरी मति है सही या गलत, जितना मुझे पता है उस आधार पर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो गजेंद्र जो है वो हाथियों के राजा थे, गजेंद्र श्री विष्णु श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु भगवान के, तो हाथी था ये, तो हाथी थे, तो ये क्या करते थे गजेंद्र हाथी, रोज एक तालाब में जाते थे कमल लेने के लिए, कमल का पत्ता तालाब में ही उगता है, तो कमल लेते थे और वहां श्री हरि का कोई मंदिर था, वहां पे श्री हरि को मतलब भगवान के लिए कमल तोड़ते थे। थे वो हाथी पर भगवान के प्रति उनके अंदर भक्ति थी। तो हाथी जो थे वो जो हाथी थे, गजेंद्र नाम था उनका, वो हर दिन तालाब में जाते थे, सुबह सुबह तालाब से कमल लेते थे और भगवान को समर्पित कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो कमल लेने के लिए तालाब के अंदर गए तो एकाएक वहां पे एक मगरमच्छ आ गया और उन्होंने बहुत जोर से हाथी के पांव को पकड़ लिया।
अब क्या है, अब हाथी के परिवार के और लोग थे वहां पे, वो तालाब के किनारे ही खड़े थे। वो डर से अंदर नहीं आए कि क्या पता और मगरमच्छ हो तो वो भी पकड़े जाएंगे, तो वो दूर से सहायता कर रहे थे। तो गजेंद्र को लगा कि हाँ मेरे इतने सारे लोग हैं, ये मुझे बचा लेंगे, मुझे बचा लेंगे। देखो अन्य आश्रय, अभी प्रभु का आश्रय नहीं है, अभी प्रभु पे भरोसा पूरा नहीं है, अभी उम्मीद किससे है, अपने दोस्तों से, बाकी हाथियों से। बाकी हाथियों के प्रयास से भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बल का सहारा लिया कि मैं कोशिश करता हूँ, दूसरे पांव से इसके मुंह को दबा, कैसे मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की। लेकिन मगरमच्छ ने इतने जबरदस्त तरीके से अपने जबड़े में पकड़ लिया था उनके पांव को और उन्हें खींच रहा था कि उन्हें लगा कि अब तो मेरा बल भी काम नहीं करेगा। जब बाकी हाथियों का बल काम नहीं आया, वो उम्मीद टूट गई, अपने बल का प्रयोग करना चाहा, वो भी काम नहीं आया, तो बस एक ही उम्मीद है, हे हरि, अब आपको बचाना है तो आप बचाइए। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके सूंड में वो कमल का फूल था जो उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने हे श्री हरि करके, उन्होंने जो ही वो कमल का फूल आकाश में उछाला तो भगवान नारायण वहां प्रकाशित हो गए गरुड़ पे। इसकी काफी इमेजेस आपको इंटरनेट पे मिलेगी। तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन से उस कुंजर या ऐप कह सकते हो उस मगरमच्छ को मारा और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ये क्या है, ये है कि जहां जहां मुरटेर सुनी ठिर ना रही पई है, जैसे द्रौपदी माँ भी कहती हैं, जैसे वो जो दुष्ट दुशासन है, तो दुष्ट दुशासन जो है जब हमारी माँ का अपमान करना चाहता है तो वहां पर क्या होता है, माँ यही कहती हैं कि खींच दुशासन जोर लगा के, टेरहा मार जो ऊ सुनी पई है, बा विश्वास विपत्ति पड़े तो, मोहन हमके ना बिस रही है, प्रभु का विश्वास खींचो, जितना बल है लगा के खींचो, तुमसे नहीं होता, तुम्हारे अंधे पिताजी हैं, जितना बल है लगा के खींचो, मुझे विश्वास है मैं पुकारूंगी, मुरटेर सुनी ठिर ना रह पई है, वो द्वारकाधीश वो अवश्य आएंगे। और साधक कहता है जैसे ही मां ने प्रभु को पुकारा है ना, तीन विमान उड़े तब नभ में, आप कल्पना कीजिए, आगे आगे वस्त्र भाग रहा है, दुशासन जो खींच रहा है उसके पीछे प्रभु भाग रहे हैं और उसके पीछे प्रभु का वाहन गरुड़ भाग रहा है, क्योंकि प्रभु इतने तेज, गरुड़ जो है वो भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़ उस पे भगवान सवारी करते हैं, गरुड़ की गति बहुत तेज है, मतलब मन से ज्यादा तेज गति गरुड़ की है। लेकिन आज अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान इतनी तेजी से भाग गए हैं कि गरुड़ भी पीछे रह गया। तो आप दर्शन कीजिए, आगे आगे वस्त्र, भगवान पीछे और उनका वाहन गरुड़ पीछे ही रह गया, तीन विमान उड़े तब नभ में। तो आप समझिए इस चीज को कि जब जब कोई कोई अन्य आश्रय नहीं रहता और जब कोई पूरे हृदय से पुकारता है तो वो अवश्य आते हैं। भक्त की टेर ही भगवान को लाचार करती है, भगवान भरोसा नहीं तोड़ते कभी। पर जब तक दूसरा आश्रय गजेंद्र को, जब तक दूसरे हाथियों का आश्रय था कि वो बचा लेंगे, उन पर विश्वास था, जब तक खुद का आश्रय, खुद के बाहुबल पर विश्वास था नहीं, और जैसे ही संपूर्ण आश्रय हो गया तो तुरंत वहीं पे प्रकाशित हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है अगर आप समझ पाएंगे तो। तो बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, आपने उनके पीड़ा को काट दिया, मगरमच्छ को मार दिया आपने वहां पे, ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर, लाल गिरधर यानी कि परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, हरो महारी भीर, महारी यानी कि माँ कह रही है मेरी भी, माँ यहाँ कह रही है आप मेरी भी दुख दर्द को, मेरी भी पीड़ा को आप यहाँ पर हर लीजिए, ठीक है। यही आप यहाँ पे समझना चाहेंगे। अब मैं आपको चारों का एक साथ दिखाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, चारों स्टैंडा का मीनिंग अब मैं आपको एक साथ बताता हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, यहाँ माँ कह रही है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि हे प्रभु, हे हरि, आप तो लोगों के, अपने भक्तों की पीड़ा को हर लेते हैं, आप ही ने माँ द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र अवतार लिया, आपने ही चीर बढ़ाया, आपने ही वस्त्र अवतार लेके उनके वस्त्र को बढ़ाया, प्रभु हे श्री हरि, हे परमात्मा श्री कृष्ण, आप ही ने है ना भक्तराज प्रहलाद के रक्षण के लिए नरसिंह अवतार धारण किया, खंबे से प्रकट होगा, हिरण्यकश्यप से पूछा तुम क्या विष्णु विष्णु नाम लेते हो, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, बोला हाँ खंबे में, इस खंबे में, उसी खंबे से भगवान प्रकट हो गए। तो वहां पे आप समझिए कि हे माँ कह रही है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप तो अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, आप ही ने माँ द्रौपदी की लाज रखी, वस्त्र अवतार किया है ना, आप ही ने माँ को बचाया, आप ही ने भगत कारण, भक्तराज प्रहलाद के कारण नरसिंह रूप धारण किया है ना, आपने ही बूढ़ डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए है ना प्रकट होकर के मगरमच्छ का वध करके उसे मुक्त कर दिया।
तो यहाँ पे वो तीन एग्जाम्पल्स दे रही हैं। इससे माँ कहना क्या चाहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप तो लोगों के दुख दर्द पीड़ा को, भीर का मतलब होता है दुख दर्द पीड़ा को हर, भीर और पीर का एक ही मतलब होता है, पीर पराई, यानी कि जो दुख दर्द पीड़ा मेरी समझ से। यहीं पे माँ कह रही है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप तो लोगों के दुख दर्द पीड़ा को हर लेते हैं। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपने माँ द्रौपदी की लाज बचाई, आपने वस्त्र अवतार कर लिया, है ना, माँ ने जो ही आपको पुकारा त्यो ही आप वहां प्रकट हो गए। दूसरा, आपने भक्तराज प्रहलाद के रक्षण के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। तीसरा, गजेंद्र जब डूब रहा था, मगरमच्छ उसको मार के पानी में डुबा रहा था, तब गजेंद्र के लाचार होकर पुकारने पे आप तुरंत काटी प्रकट हो गए, काटी कुंजर पीर, तुरंत आपने मगरमच्छ का वध करके गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये इनका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पहला पद तो काफी छोटा था, दूसरा वाला काफी बड़ा है, लेकिन इसको भी हम दो दो लाइन तोड़ तोड़ करके समझेंगे। ये दूसरा पद है। ठीक है, श्याम महाने चाकर राखो जी, मैंने पहले ही लिखा है डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। श्याम यानी कि श्री कृष्ण, श्याम राधे श्याम, श्री कृष्ण की बात हो रही है। महाने मुझे, चाकर सेविका, सेवक सेविका, मास्त्री है इसलिए सेविका। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। देखिए यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि भक्त भगवान के लिए कितना, ये मतलब बड़ा बड़ा, मतलब इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है किस प्रकार का प्रेम है। जैसे गोपीजनों का प्रेम था, जब गोपियां श्री कृष्ण से दूर हो गई थी, तब गोपियां इतना श्री कृष्ण से, वो दिन भर कान्हा कान्हा कान्हा, उनके रोम रोम से केवल यही स्फुरित होता था। वो इतना तन्मय थी श्री कृष्ण में कि वो घर के तो सारे काम करती थी, है ना, परिवार का पोषण करना, दूध मथना, और उसके बाद जब बाजार में मक्खन बेचने के लिए वो जाती हैं बाजार में, तो वो कहना क्या चाहती हैं, कोई मक्खन ले लो, कोई घी ले लो, कोई दही ले लो, लेकिन निकलता क्या है, कोई कृष्ण ले लो, कोई कान्हा ले लो, कोई गोविंद ले लो, बोलना कुछ और चाहती हैं और बोल कुछ और रही हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये मीराबाई जी का भी प्रेम वैसा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जिन्हें विष पिलाया गया और विष अमृत में परिवर्तित हो गया। ये कोई सतयुग की कहानी नहीं सुना रहा माँ, इसी कलयुग की बात हो रही है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रेम जो जिस लेवल का प्रेम है ना, वो हमारे और आपके समझ से बहुत परे है। तो जब भगवान से भक्त बहुत प्रेम करता है, माँ बहुत प्रेम करती है, तो भगवान के समीप रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो उनका सेवक सेविका, वो यही याचना कर रही है कि आप मेरे पास रहिए हमेशा, मेरी ऐसी कोई याचना नहीं है, मुझे बस अपनी छोटी सी एक सेविका भी आप बना लेंगे वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। देखिए जहां प्रेम किया जाता है ना बच्चों, वहां व्यापार नहीं होता कि आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, ये लेन देन नहीं होता, प्रेम में लुटाया जाता है। प्रेम घटे नित कुछ मांगत, बार बार आप भी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं ये, कि आप भी कभी कृष्ण जी के, राम जी के, काली माँ के, आप भी कभी किसी भी मंदिर में जाए तो हमेशा कुछ मांगा मत कीजिए, कभी प्रणाम करके भी चले आइए, क्योंकि बार बार प्रेम घटे नित कुछ मांगत, बार बार मांगने से प्रेम समाप्त होने लगता है। तो बार बार प्रेमी का स्वभाव मांगने का नहीं, प्रेमी का स्वभाव तो लुटाने का होता है, मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं। भक्त कभी भगवान से मेरा दुख दूर हो, मुझे सुख मिले, मैं एग्जाम में पास हूं, मेरे अच्छे नंबर आए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, नहीं। भक्त तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, आपकी सदा जय हो, आपकी प्रसन्नता जिसमें हो। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, है ना, जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहुं सो बेगी दास मैं तोरा, आपको जैसे मेरा हित लगे आप वैसा कीजिए। तो यहाँ पे माँ प्रभु से क्या मांग रही है, छोटा सा, प्रभु आप मुझे अपनी एक सेविका रख लीजिए। यहाँ पे माँ प्रभु की सेविका, आप समझिए कि माँ प्रभु की सेवक बनने के लिए तैयार है कि बस मुझे प्रभु के समीप रहने के लिए मिलेगा। श्याम महाने चाकर राखो जी, हे श्याम मुझे चाकर रख लीजिए, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। हे श्री कृष्ण महाने चाकर राखो जी, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नितुट दर्शन पास्यू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। चाकर, हे श्याम जी, आप अगर मुझे अपनी सेविका बना लेंगे ना, तो मैं बाग लगाऊंगी, मैं बगीचे लगाया करूंगी, माँ को बगीचे पसंद है, तो आप, माँ चाहेंगी कि उन्हें वही काम मिले जो उन्हें अच्छा लगता है। तो जितनी मेरी समझ है इसका यही मतलब है, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, कि मतलब हे श्याम जी, आप मुझे अपनी सेविका रख लेंगे तो मैं बाग लगाऊंगी, नितुट दर्शन पास्यू, मुझे रोज आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। माँ प्रभु की सेविका क्यों बनना चाहती है, देखो आप समझो,
मानो कि आपने 10,000 वर्ष तपस्या की, मान लो, होगा नहीं तुमसे, मानो आपने 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, आपने कुछ वरदान मांग लिया या आपको भगवान के दर्शन हो गए, आपके तपस्या के फल स्वरूप भगवान ने आपको दर्शन दे दिए। पर वो तो ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, वो तो एक ही बार है। अब फिर 10,000 बार तपस्या करो, 10,000 वर्ष तब जाके भगवान दोबारा प्रकट होंगे। आपने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, आपको एक बार दर्शन हो गए, आपको कुछ मांगना था, आपने मांगा, बात खत्म। तो आपको दर्शन भगवान का एक ही बार प्राप्त हुआ। भगवान ने क्या वरदान दिया वो अलग बात है, पर आपको दर्शन एक ही बार प्राप्त हुआ। तो माँ को वरदान में कोई रुचि नहीं है, माँ बस चाहती है कि मुझे रोज दर्शन मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ आपके दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आपकी दया का है बोझ इतना इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, मांगने में शर्म आती है। क्यों? आपने मुझे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ आपके दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं ये पाठ पढ़ा तो रहा हूँ मगर जानता हूँ ये पाठ तुम्हें पढ़ाने के काबिल नहीं। स्वयं समझो इस पाठ का अर्थ, ठीक है? मैं सिर्फ भाव में आपका प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बाकी पाठ आपको स्वयं समझना है। माँ कह रही है कि अगर आप मुझे अपनी सेविका रख लेंगे तो मुझे रोज उठ के आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिलेगा, मैं रोज उठ के नित्य यानी कि रोज उठ के आपके दर्शन पाऊंगी। यहाँ बिंद्रावन का मतलब वृंदावन से है, ठीक है? वो ब्रज जिसकी रज में सब संतों की चरण रज है, उस ब्रज की बात हो रही है, वृंदावन की बात हो रही है। वृंदावन री कुंज गली, कुंज यानी कि साकरी, यानी कि बहुत नैरो है, उसमें जैसे दो लोग भी आमने सामने नहीं आ सकते। प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाये, जैसे अब जैसे माँ कहती है मीरा माँ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो माँ का प्रेम केवल श्री कृष्ण से है, उसमें कोई दूसरा तीसरा हो ही नहीं सकता। प्रेम केवल एक ही से किया जाता है, समर्पण केवल एक ही के लिए होता है, 2, 4, 10 मतलब कभी इनसे कुछ मांगा कभी उनसे नहीं। ये प्रेमी का स्वभाव नहीं है, लोभी का स्वभाव हो सकता है कि ये वाले भगवान इच्छा पूरा नहीं करे तो उनसे मांग लूं। प्रेमी तो बस आप राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा हो, मतलब जैसे आप रखना चाहे, ठीक है? तो वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन में सांकरी गली है, क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम है और प्रेम हमेशा सांकरा होता है। खैर, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासियों, हे गोविंद, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, मैं आपकी लीला गाऊंगी। तो माँ क्या कह रही है, है ना, माँ यहाँ पे कह रही है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेविका रख लीजिए, मुझे अपनी सेविका रख लीजिए ताकि, है ना, आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए ताकि मैं रोज आपके दर्शन पा सकूं, आपकी सेविका बनकर मैं बाग लगाऊंगी सुंदर सुंदर, मैं रोज नित उठ, मैं रोज आपके दर्शन पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस आपके रोज दर्शन, मैं आपकी दर्शन पाऊंगी। और वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गासियों, गोविंद की लीला गाऊंगी, आपकी लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी। क्या लिखा है यहाँ? चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियों तीनों बाता सरसी। देखिए ये जो दो लाइन है इसका मीनिंग आप पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तीनों बाता सरसी, माँ ये कह रही है कि अगर प्रभु हे श्री कृष्ण आपने अगर मुझे अपनी सेविका होने का सौभाग्य दे दिया, अगर मैं आपकी सेविका बन गई तो मुझे तीन बातों का लाभ होगा। मुझे क्या होगा? तीन बातों का लाभ होगा। एक जो पहले कहा था नित उठ दर्शन पासी हूं कि मुझे रोज आपका दर्शन मिलेगा, चाकरी में दर्शन पासी हूं कि चाकरी हम किसकी करते हैं, कहते हैं ना नौकरी चाकरी, चाकरी यानी कि सेविका, है ना, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। तो माँ वही कह रही है कि आपने अगर मुझे अपनी चाकरी में अपनी सेवा में रख लिया तो मैं रोज आपके दर्शन पासी हूँ, मैं रोज आपके दर्शन पाऊंगी, पहला फायदा। ऐसे तीन फायदे हैं, पहला रोज आपके दर्शन पाऊंगी, दूसरा फायदा सुमरण पासियों खर्ची कि हे प्रभु, सुमरण का मतलब है ना मतलब स्मृति, याद करना, मुझे आपकी याद नहीं सताएगी, यहाँ पे मुझे आपकी याद नहीं सताएगी। खर्ची का मतलब होता है सताना, खर्ची का क्या मतलब होता है? सताना, कि मुझे आपकी याद नहीं सताएगी। सुमरण मतलब स्मृति होता है, ठीक है, यानी कि स्मृति होता है, या थोड़ी और सिंपल हिंदी में आप कहना चाहें तो आप याद कह सकते हैं।
भाव भक्ति जागरी पास्यों तीनों बाता सरसी। ठीक है, जागरी का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना जागीर, यहाँ पे जागरी का मतलब आप लिख सकते हैं साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। साम्राज्य लिखने के और भी कई तरीके होते हैं, मैंने एक एक तरीके से लिखा है। ठीक है, साम्राज्य कहते हैं ना, इस राजा का साम्राज्य कहाँ तक, इस सम्राट का साम्राज्य कहाँ तक है। तो यहाँ पे तीन फायदे हैं माँ को, कि माँ कह रही है ना कि अगर आपने मुझे अपनी सेवा में रख लिया तो एक तो मुझे रोज आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिलेगा, दूसरा मुझे आपकी याद सताएगी नहीं, मुझे कभी आपकी याद नहीं सताएगी। क्योंकि प्रेमी का स्वभाव तो होता है कि वो अपने प्रीतम को याद हो कर करके विकल होता रहता है, पर प्रीतम पास में है तो वो पीड़ा नहीं होगी, उनको याद नहीं सताएगी। तीसरा भाव भक्ति जागिरी। ठीक है, माँ को भाव और भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, माँ को भाव और भक्ति का साम्राज्य प्राप्त होगा। देखिए आप यहाँ समझिए, मीरा माँ के पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव है, तभी उनकी स्थिति ऐसी है कि भक्ति भी ऐसी उनकी है कि वो मतलब बड़े बड़े भक्तों में उनकी माँ की तुलना की जाती है। सशरीर, आपको अगर नहीं पता तो मीराबाई जी का शरीर किसी को नहीं मिला, लोगों ने देखा तो था कि वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गई लेकिन वापस नहीं आई, सशरीर ही वो भगवान को प्राप्त हो गई। ये बड़े दुर्लभ विषय है, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, ये शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले जाना अक्सर शरीर छूटने के बाद होता है। तो ये है, तो इनके पास भाव तो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इन्हें पिलाया हुआ विष अमृत बन गया, भक्ति भी है, पर यहाँ फिर माँ भाव और भक्ति क्यों मांग रही है, जागीरी साम्राज्य के बारे में बात करिए। देखो आपके पास हजार मतलब आपके पास करोड़ों किलो सोना है और आपके पास सोने का साम्राज्य है या पारसमणि है, तब तो आपके पास साम्राज्य हो गया, तो प्रभु क्या है पारसमणि। तो माँ के पास भाव और भक्ति तो है, पर माँ अगर प्रभु की सेविका बन गई, प्रभु के रोज दर्शन पा सकेंगी यानी कि प्रभु के समीप रहेगी, माँ को प्रभु की याद नहीं सताएगी, तो माँ को भाव और भक्ति तो माँ के पास थी, अब माँ को भाव और भक्ति का साम्राज्य मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों बात सरसी, तीन बातों का फायदा है। पहला, तीन बातें माँ के लिए अच्छी होंगी। पहला कि चाकरी में रोज उन्हें प्रभु के दर्शन, नित उठ दर्शन पासियों, उन्हें रोज दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। दूसरा, प्रभु की स्मृति उन्हें नहीं सताएगी। और तीसरा, उनके उन्हें भाव और भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये जो आपके दो लाइन है, इसमें प्रभु श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण, माँ ने अपने प्रेमी श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है कुछ शब्दों में। मोर मुगुड पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट की प्रभु श्री कृष्ण जो है, परमात्मा श्री कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं, पीतांबर, इसे आप पीले वस्त्र कह सकते हैं, पीले वस्त्र सोहे, सोहे का मतलब होता है एक तरीके से धारण करना, कि प्रभु ने क्या, प्रभु कैसे हैं, प्रभु के ऊपर क्या सोता है, क्या अच्छा लगता है, प्रभु ने मोर मुकुट पहना है, प्रभु ने पीले वस्त्र पहने हैं। गल वैजंती माला, वैजंती एक पुष्प होता है, ठीक है, एक फूल होता है, ये बड़ा पवित्र फूल माना जाता है इस सभ्यता में। तो गल वैजंती माला, प्रभु वैजंती फूलों की माला पहनते हैं। बिंद्रावन में, वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु यानी कि गौ माता के बारे में बात हो रही है, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। देखिए अगर आपके गाँव में कभी कोई गाय है और आप गाय को एक चारा, मतलब आप, मैं ये नहीं उम्मीद करता कि आप गाय पालिए, वो हर किसी के पास वैसी व्यवस्था नहीं होती, वैसा भाव भी नहीं होता, पर किसी गाय को अगर प्रेम से, किसी पशु दृष्टि से नहीं कि ये एक पशु है, नहीं, माँ की दृष्टि से, है ना, कि मतलब गोविंद ने भी गाय की सेवा की थी और गौ माता की कृपा से ही काफी, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार अगर आपने थोड़ा सा चारा, है ना, भगवान की दृष्टि से, माँ को माँ की दृष्टि से देख करके खिलाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा की है आके, तो गाय का महत्व बहुत है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, कि प्रभु के माथे पे मोर मुकुट सोता है, है ना, प्रभु पीले वस्त्र धारण करते हैं, प्रभु के गले में वैजंती पुष्पों की माला है, प्रभु विंद्रा वृंदावन में गाय चराते हैं मोहन मुरली वाला, और प्रभु क्या करते हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। तो प्रभु के सौंदर्य का क्या क्या वर्णन किया है माने, प्रभु मोर मुकुट और पीले वस्त्र पहनते हैं, प्रभु के गले में वैजंती पुष्पों की माला है, प्रभु वृंदावन में गाय गौए चराते हैं और प्रभु मनमोहक मुरली बजाते हैं। ये प्रभु का सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी सारी। ठीक है, बारी का मतलब यहाँ पे आप मान सकते हैं बगीचे से हो रही है, जैसे माँ कह रही है ना कि बाग लगाऊंगी, वही उसी की बात दोबारा हो रही है। बगीचा, बाग को ही बगीचा कहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, ऊंचा ऊंचा महल बनाव नितुट, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बू साड़ी। पहर का मतलब होता है पहनकर, कुसुम्बी का मतलब होता है, ये एक रंग होता है कुसुम्बी, है ना, ये एक रंग होता है, केसरिया रंग के जैसा होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बनाव। अब देखिए, वृंदावन में प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के, परमात्मा श्री कृष्ण के काफी महल है, प्रभु के काफी महल है ना, तो उन महलों के बीच में मैं बाग लगाऊंगी। ये माँ की कल्पना कितनी अच्छी है, मतलब उनका तो भाव ही है, उनका भाव कितना अच्छा है कि प्रभु वृंदावन में जो आपके ऊंचे ऊंचे महल है ना, उन महलों के बीच में, याद रखना बाग के बीच में महल नहीं है, महलों के बीच में बाग है, महल बड़े बड़े होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे मैं गार्ड मतलब गार्डनिंग मतलब बाग लगाएंगी, आपके बड़े वृंदावन के बड़े बड़े महलों के बीच में मैं छोटे छोटे बाग, मैं बाग लगाऊंगी, बीच बीच में बाग लगाऊंगी। सावरिया रा, सावरिया यानी कि अपने प्रेमी, है ना, माँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, श्री कृष्ण अपने सावरिया का, अपने प्रेमी श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी, पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर, केसरिया रंग की साड़ी पहन करके। कुसुम्बी साड़ी का यहाँ दो अर्थ है, एक तो केसरिया साड़ी पहन करके, दूसरा कि श्रृंगार करके, इस तरीके से अच्छे से माँ प्रभु का दर्शन प्राप्त करेंगी। देखिए, ये बड़े ऊंचे भाव की बात हो रही है, तो मलिन बुद्धि से चिंतन मत कीजिएगा, नहीं तो, है ना, बड़े ऊंचे स्थिति की यहाँ पे बात हो रही है। माँ यहाँ पे ये कह रही है कि प्रभु आपके जो ऊंचे ऊंचे महल है उनके बीच में मैं बगीचे लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, और आपके दर्शन पाऊंगी, अपने सावरिया का, अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी कुसुम्बी साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधीरा, हिवड़ो घड़ो अंधीरा। अब यहाँ पे ना, अब देखिए, माँ ने इतनी सारी बात की, भगवान से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रभु आप ना मुझे बस अपनी एक सी चाकरी में रख लीजिए, आप अपनी सेविका रख लीजिए, मैं नित उठ के आपके दर्शन पाऊंगी, आपके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में बाग लगाऊंगी। माँ इतनी रिक्वेस्ट कर रही है। अब क्या है ना कि देखो, भक्त का जो हृदय है, प्रेमी का हृदय अपने प्रीतम से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए सदा विकल रहता है, सदा तड़पता रहता है, तो अंत में माँ यही कहती है कि अब रहा नहीं जाता। एक गुरु जी थे, एक गुरुजी और उनके शिष्य थे, तो गुरुजी और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे नदी में। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ना, हम तो काफी समय से साधना कर रहे हैं, स्नान करके ध्यान करते हैं, पूजा पाठ अपना नित्य कर्म करते हैं, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे और कब होंगे? तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, अभी तो स्नान का समय, स्नान करने के बाद ध्यान से पहले बताऊंगा। तो शिष्य ने स्नान किया, और स्नान करके निकलने से पहले जो ही डुबकी मारी शिष्य ने, तो गुरुजी उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गए, शिष्य के ऊपर। अब गुरुजी भारी है, तो शिष्य को लगा, अरे गुरुदेव की ये क्या लीला है। अब थोड़ी देर तो ठीक है, पर शिष्य को अब सांस नहीं आ रही थी, तो उसने तो पहले सोचा कि ठीक है, गुरुजी को ऐसे उल्टा, मतलब मैं कैसे भी निकलने की कोशिश करूं, पर गुरुजी भी इस तरीके से बैठे थे कि वो उतर नहीं रहे थे, और लास्ट में जब थोड़ी सांसें बची थी, तो गुरुजी कूद के उतर गए शिष्य के ऊपर से, और शिष्य ने फिर बाहर निकला, लंबी लंबी सांसें ली, गुरुजी को प्रणाम किया और पूछा, इस लीला का क्या रहस्य है ना गुरुजी, आप थोड़ी देर और बैठते तो मेरी मेरा दम घुट जाता है ऐसे। तो उन्होंने कहा, ये जैसे सांस लेने के लिए तुम इतने व्याकुल हो गए ना, इसी तरह जिस दिन तुम प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाओगे, दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति माँ की है, प्रैक्टिकली 10-20 सेकेंड अपनी नाक बंद करके देखो और फिर छोड़ो, वो जो व्याकुलता है उससे ज्यादा व्याकुलता माँ की है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। जब माँ से नहीं रहा जाता, माँ ये कहती है, प्रभु आप एक काम करिए ना, आप मुझे आज रात को जमुना जी के तीर पे, तीर यानी कि तट पे, वृंदावन की बात हो रही है, वृंदावन यमुना किनारे है ना, वहां ना, अरे वहां बहुत लीलाएं हुई है श्री कृष्ण की, तो आप ना मुझे आधी रात को वृंदावन के तट पे ही दर्शन दे दीजिए। और प्रभु दर्शन तो अकेले देते हैं, इसलिए आधी रात को यमुना जी के तट पे आप दर्शन दे दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रा तीरा, जमुना जी यानी कि माँ जमुना, यमुना एक ही होता है, माँ यमुना की बात हो रही है, तीरा का मतलब होता है किनारा, तीरा का मतलब होता है किनारा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर प्रभु की बात हो रही है, हिवड़ो घड़ो अंधीरा,
हिवड़ो घड़ो अंधीरा। हिवड़ो का मतलब हृदय में, घड़ो यानी कि बहुत, अंधीरा यानी कि अंधेरा। ठीक है, प्रभु आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय बहुत अधीर है, बहुत व्याकुल है, अब रहा नहीं जाता प्रभु, अब रहा नहीं जाता प्रभु, मैं अब और रुक नहीं पाऊंगी, आप ना मुझे आज रात में ही दर्शन दे दीजिए जमुना जी में, मैं तो केवल आपकी हूँ गिरधर गोपाल। आप समझ रहे हैं, माँ तो है वो केवल प्रभु की है, गिरधर नागर मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो केवल आप ही हैं गिरधर, गिरधर नागर गिरधर गोपाल, गिरधर नागर गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो सिर्फ यही है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। आप समझ के देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, तो जब भी कोई कृष्ण की बात करता था ना, कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण, तो परमहंस जी की आंखों से आंसू आते थे, बोलते थे हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरी माँ ही तो कृष्ण है, मेरी माँ ही तो कृष्ण है, मतलब माँ माना क्योंकि तत्व तो एक ही है, परम तत्व। अरे वो मूर्ख है जो ये कहता है कि इस सभ्यता में अलग अलग देवी देवता, अरे तुम्हारे दृष्टि में अलग है एक ही। जब गोस्वामी जी ने सिया राम जी को माना तो सिया राम मई सब जगह जानी, सब में उनको सिया राम जी के दर्शन हुए। जब गोपियों ने श्री कृष्ण को माना तो है ना, चित देखूं तित श्याम खड़े, सब जगह उनको वही दिखा। रामकृष्ण परमहंस जी उन्होंने माँ काली को माना तो कृष्ण ही काली है, उनको वही वही अनुभूति हुई। अरे आप समझ रहे हो, तो मीरा माँ के लिए श्री कृष्ण ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप मुझे आज आधी रात को अपने यमुना जी के किनारे आप मुझे दर्शन दे दीजिए, है ना, मेरे हृदय का जो घना अंधेरा है, घनो बहुत अंधेरा है जो मेरे हृदय का, उसे दूर कर दीजिए, मेरे तो केवल गिरधर नागर, मेरे तो केवल श्री कृष्ण, मेरे तो केवल श्री कृष्ण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है, मैं आपको एक बार पूरा स्टैंजा एक साथ दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर अब पढ़ पढ़ के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना, माँ कहती है कि हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए, हे गिरधारी लाल आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, आपकी सेवा में रहूंगी ना तो मैं नित उठ करके, मैं ना बाग लगासी हूँ, मैं बाग लगाऊंगी रोज, नित उठ कर रोज उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी, वृंदावन की कुंज गलियों में हे गोविंद मैं आपकी लीला गाऊंगी। प्रभु आपने मुझे अपनी सेवा में रख लिया ना तो मुझे तीन बातों का फायदा होगा, पहला कि मुझे रोज आपके दर्शन प्राप्त करने मिलेंगे, दूसरा खर्ची यानी कि सताना, तो मुझे आपकी आपकी स्मृति कभी नहीं सताएगी और मुझे भाव और भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रभु के सौंदर्य का वर्णन कि प्रभु कितने सुंदर है श्री कृष्ण जी, माँ के प्रेमी कितने सुंदर है, वो मोर मुकुट पहनते हैं, पीतांबर वस्त्र और पहनते हैं और गले में वैजंती पुष्पों की माला धारण करते हैं, वो आज भी, तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए दिखते नहीं है, वो आज भी वृंदावन में धेनु चराते हैं, है ना, और मनमोहक मुरली बजाते हैं, मुरली धारण करने वाले हैं। माँ कहती है प्रभु आपके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में मैं बाग लगाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहन के रोज अपने सावरिया अपने प्रीतम का दर्शन, श्री कृष्ण आपका दर्शन पाऊंगी, आधी प्रभु ना मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप ना मुझे आधी रात में आज ही दर्शन दे दीजिए यमुना जी के किनारे, मेरे तो मेरे हृदय का अंधेरा समाप्त कर दीजिए प्रभु, मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त कर दीजिए, क्योंकि प्रेमी का प्रीतम से मिलने के लिए हृदय में एक पीड़ा होती है, उस पीड़ा को समाप्त कर दीजिए, मेरे तो केवल गिरधर नागर, मेरे तो केवल गिरधर नागर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी पोयम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भाव के साथ समझ पाए हो और अब आप इसको भूले ना, ऑफकोर्स आपको इसको पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो दिखा देता हूँ। पहले पद में मीरा जी ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, उदाहरण दे दे करके, उन्होंने तीन उदाहरण दिए हैं माने, एक तो माँ द्रौपदी का है ना, खींच दुशासन तेरा मार जो सुनी पही है, पाप विश्वास विपत्ति पड़े तो मोहन हमके ना बिसरही, मोहन श्री कृष्ण मुझे नहीं बिसराएंगे, मुरटेर सुनी ठिरना रही पही है, मेरी आवाज सुन करके लाचारी में मेरी आवाज सुन के वो ठिर नहीं रह पाएंगे, वो तुरंत दौड़े और भगवान दौड़े उतने तेज से कि गरुड़ भी भगवान को नहीं पकड़ पाए। अरे समझ रहे हो, खैर तो यहाँ ध्यान, तो माँ तीन उदाहरण देती है, माँ द्रौपदी का, दूसरा उदाहरण क्या भक्तराज प्रहलाद का उदाहरण देती है माँ, हिरण्यकश्यप से बचाए प्रहलाद का उदाहरण, नरसिंह अवतार, और तीसरा गजेंद्र का उदाहरण देती है माँ। ठीक है, दूसरे पद में मीराबाई जी श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है स्पष्ट कीजिए, जो तीन कारण उन्होंने दिए थे,
एक तो कि प्रभु मुझे मैं रोज बाग लगाऊंगी और आपके दर्शन मुझे नित्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा, दूसरा मुझे आपकी खर्ची सताएगी नहीं, मुझे आपकी सुमरण आपकी स्मृति कभी सताएगी नहीं, और तीसरा मुझे आपकी भाव और भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? श्री कृष्ण जी है मोर मुकुट धारण करते हैं, वो पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, श्री कृष्ण जी के गले में वैजंती पुष्पों की सुगंधित माला है, श्री कृष्ण वैजंती पुष्पों की माला है, श्री कृष्ण जी वृंदावन में धेनु चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। इसी को थोड़ा सा आप और अच्छे से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, मंत्र मुग्ध करने वाली मुरली बजाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वैसे एक्सपेक्टेड कम है कि वो ये पूछेंगे टेंथ बोर्ड में, पर आप सुन लीजिए, उनकी भाषा सरल सहज और प्रभावमयी है। उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से राजस्थानी और ब्रज भाषा का उपयोग किया है। देखिए, माँ जो है वो अपने जीवन के उन्होंने जीवन का कुछ अंत का समय वृंदावन में, मतलब काफी समय वृंदावन वो चली गई थी माँ, वृंदावन बाद में मीरा माँ चली गई थी, तो वृंदावन में किया, तो वृंदावन ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज का हो तो ब्रज भाषा है, साथ ही साथ इसमें आपको गुजराती भाषा का भी थोड़ा और राजस्थानी भाषा का भी टच मिलेगा। ठीक है, उन्होंने अपने काव्यों में मुख्य रूप से भक्ति रस और वात्सल्य रस का उपयोग किया है। अगर अलंकारों की बात करें तो उनके काव्यों में अनुप्रास रूपक, अनुश्री, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति और ये सब अलंकार है। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है कि माँ ने ब्रज भाषा में, राजस्थानी और गुजराती भाषा में, ये प्रमुख तीन भाषाओं में आपको मिश्रण मिलेगा, ज्यादातर ब्रज भाषा है माँ की कविताओं में। दूसरा, माँ श्री कृष्ण की प्रेमी है, माँ श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी कविताओं में उनके पदों में आपको प्रेम वात्सल्य ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मीराबाई जी के पद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे और इस पोयम को काफी अच्छे से समझ के गए होंगे। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।